रोहित सरदाना की मौत पर पूरा देश दुखी है। किसी को भी यकीन ही नहीं हो रहा है कि रोहित सरदाना इतनी जल्दी अचानक से कैसे चले गए। आपको बता दें कि आज तक पर आज अंजना ओम कश्यप के रोने की आवाज़ भी सुनाई दी और उसके साथ ही चित्रा त्रिपाठी भी रोते हुए दिखाई दी। इसके बाद हम आपको आज रवेश कुमार के एक लेख पढ़कर सुनाने वाले हैं जो उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया है। रवेश कुमार ने कई सवाल भी उठाए हैं और अपने कुछ भावुक बातें भी लिखी हैं जिससे आप भी भावुक हो जाएंगे। रवेश कुमार ने लिखा है, आज तक के एंकर रोहित सरदाना के निधन की खबर से स्तब्ध हूँ। कभी मिला नहीं, लेकिन टीवी पर देख कर ही अंदाजा होता रहा कि शारीरिक रूप से फिट जब नौजवान है। मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि इतने फिट इंसान के साथ ऐसी स्थिति क्यों आई। डॉक्टरों ने किस स्तर पर क्या दवा दी, उनके बुखार या अन्य लक्षणों पर किस तरह से मॉनिटर किया गया। मेरा मन नहीं मान रहा, मैं नहीं कहना चाहूँगा कि लापरवाही हुई होगी, मगर कुछ चूक हो सकती है। ये सवाल मैं केवल रोहित के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अब भी इस सवाल से जूझ रहा हूँ कि घरेलू स्तर पर डॉक्टर लोग क्या इलाज कर रहे हैं जिससे मरीज इतनी बड़ी संख्या में अस्पताल जा रहे हैं और वहाँ भी स्थिति बिगड़ रही है। इसे लेकर एक लंबा सा पोस्ट भी लिखा था, इस सवाल का उत्तर खोज रहा हूँ। कई जगहों से डॉक्टरों के बनाए व्हाट्सएप ऐप फॉरवर्ड आ जा रहे हैं जिनमें कई दवाओं के नाम होते हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन कोविड से गुजरते हुए जो खुद अनुभव किया है कि उससे लगता है कि डॉक्टर सही समय पर ज़रूरी दवा नहीं दे रहे हैं। व्हाट्सएप फॉरवर्ड और कई डॉक्टरों की पर्ची देखकर एक अंदाज़ा होता है कि सही दवा तो लिखी ही नहीं गई है। इसलिए मैंने एक कमांड सेंटर बनाने का सुझाव दिया था जहां देश भर से रैंडम प्रिस्क्रिप्शन और मरीज के बुखार के डिटेल को लेकर अध्ययन किया जाता और अगर इस दौरान कोई चूक हो रही है तो उसे ठीक किया जाता। मैं रोहित के निधन से स्तब्धता के बीच इन सवालों से अपने ध्यान नहीं हटा पा रहा हूँ। बात भरोसे के डॉक्टर की नहीं है और ना ही डॉक्टर के अच्छे बुरे की है, बात है इस सवाल का जवाब खोजने की कि क्यों इतनी बड़ी संख्या में मरीजों को अस्पताल जाने की नौबत आ रही है। कई लोग लिख रहे हैं कि आज तक ने रोहित सरदाना के निधन की खबर की पट्टी तुरंत नहीं चलाई। मेरे ख्याल से इस विषय को महत्व नहीं देना चाहिए। आप सोचिए, जिस न्यूज़ रूम में ये खबर पहुंची होगी बम की तरह धमाका हुआ होगा, उनके सहयोगी साथी सबके होश उड़ गए होंगे, सबके हाथ पांव कांप रहे होंगे। आप बस यही कल्पना कर लीजिए तो बात समझ आ जाएगी। दूसरा ये भी मुमकिन है कि रोहित के परिवार में कई बुजुर्ग हों, उन्हें सूचना अपने हिसाब से दी जानी है। अगर आप उसे न्यूज़ चैनल के जरिए ब्रेक कर देंगे तो उनके परिवार पर क्या गुजरेगी। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं। इसके अलावा और भी कोई बात हो तो वहाँ न्यूज़ रूम में खड़े उनके सहयोगी सच का सामना कर ही रहे होंगे। बात भले ही बाहर ना आए, उनकी आंखों के सामने से तो गुजर ही रही होगी। खबर बहुत दुखद है। कोविड के दौरान कई पत्रकारों की जान चली गई। सूचना प्रसारण मंत्रालय उन पत्रकारों के बारे में कभी ट्वीट नहीं कराता। आप बताइए कि कितने पत्रकार देश भर में मर गए, सूचना प्रसारण मंत्री ने उन्हें लेकर कुछ कहा। उन्हें हर वक्त प्रधानमंत्री की छवि चमकाने से फुर्सत नहीं है। इस देश में एक ही काम है, लोग मर जाएं लेकिन मोदी जी की छवि चमकती रहे। आप लोग भी अपने घर में मोदी जी के 20-20 फोटो लगा लें, रोज साफ करते रहें ताकि उनका फोटो चमकता रहे। उसे ट्वीट कर दीजिए ताकि कुछ सुकून हो सके कि मेरा छवि घर घर में चमकाई जा रही है। आम लोगों की भी जान चली गई। प्रभावशाली लोगों को अस्पताल नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, वेंटिलेटर बेड नहीं मिला। आप माने या ना माने, इस सरकार ने सबको फंसा दिया है। आप इनके चुनावी जीत की घंटी गले में बांधकर घूमते रहिए, कमेंट बॉक्स में आकर मुझे गाली देते रहिए, लेकिन इससे सच नहीं बदल जाता है। लिखने पर केस कर देने और पुलिस भेज देने की नौबत इसलिए आ रही है कि सच भयावह रूप ले चुका है। जो लोग इस तरह की कार्रवाई के साथ हैं वो इंसानियत के साथ नहीं है। इस देश को झूठ से बचाइए, खुद को झूठ से बचाइए। जब तक आप झूठ से बाहर नहीं आएंगे, लोगों की जान नहीं बचा पाएंगे। अब देर से भी देर हो चुकी है। धर्म हमेशा राजनीति का सत्यानाश कर देता है और उससे बने राजनीतिक समाज का भी। ऐसे राजनीतिक धार्मिक समाज में तर्क और तथ्य को समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप में रिश्तेदार अब भी सरकार का बचाव कर रहे हैं, जबकि उन्हें सवाल करना चाहिए था। अगर वो समर्थक होकर दबाव बनाते तो सरकार कुछ करने के लिए मजबूर होती। अब भी सरकार की तरफ से फोटोबाजी हो रही है।
अगर उससे किसी की जान बच जाती है तो मुझे बता दीजिए। जान नहीं बची, आंकड़ों को छिपा लीजिए, मत छुपाइए, मत छपने दीजिए। बहुत बहादुरी का काम है बधाई, आप सबको डरा देते हैं और सब आपसे डर जाते हैं। कितनी अच्छी खूबी है सरकार की, घर घर में लोगों की जान गई है, वो जानते हैं कि कब कौन और कैसे मरा है। रोहित सरदाना को श्रद्धांजलि, उनके परिवार के बारे में सोच रहा हूँ, कैसे उबरेगा इस हादसे, और ऐसे हादसे से भला कौन उबर पाता है। भारत सरकार से मांग करूँगा कि रोहित के परिवार को 5 करोड़ का चेक दें, और वो भी तुरंत, ताकि उसके परिवार को किसी तरह की दिक्कत ना आए। सरकार को अपने पत्रकारों की मदद करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। आज तक मैं रोहित के सहयोगियों को इस दुखद खबर को सहने की ताकत मिले। रविश कुमार।